आपके लिए नहीं, उनके लिए। हाँ बोलो, ठीक है बोलिए। दो मिनट, दो मिनट मानी, ये तो मिनिस्टर, मिनिस्टर एग्रीड, सो नो प्रॉब्लम फॉर मी। सभापति जी बोलिए बोलिए। मध्य प्रदेश में बाढ़ से महाकौशल, हिंद प्रदेश और भोपाल का इलाका प्रभावित हुआ है। इतनी 48 घंटे के अंदर इतना पानी गिरा है कि 63% से लेकर 70% तक वर्षा 48 घंटे में हुई है। भोपाल के अंदर भी रात भर के अंदर करीब 7 इंच पानी गिरा। इतना पानी गिरने के बाद वास्तव में बाढ़ की स्थिति बनती है। भोपाल में, सतना में नावें चली, भोपाल के अंदर भी घरों में पानी घुसा। सरकार ने उसके लिए व्यवस्था की, मुख्यमंत्री स्वयं बाढ़ के पानी के अंदर घूमते रहे और लोगों को, सबको राहत पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में सतना जिले में 600 लोगों को राहत शिविर में रखा गया, 4000 लोगों को आपदा प्रबंधन द्वारा बचाया गया। भोपाल के अंदर 175 मिलीमीटर वर्षा कुल मिला के 8 घंटे में हुई, उसके कारण भोपाल बाढ़ से प्रभावित हुआ है। प्रदेश में अब तक वर्षा से 37 जनहानि हुई है, 9 व्यक्ति लापता हैं, 180 पशु हानि, 2298 मकान पूर्णतः नष्ट हुए हैं और 29854 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 50 अस्थायी शिविर खोले गए हैं और 11080 लोगों को व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। राशन वितरण हुआ है लोगों को, शिविर 54 शिविर चल रहे हैं, उन शिविरों में लोगों को रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सर्वे हो रहा है और वह सर्वे की रिपोर्ट आकर के उसके आधार पर मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो राशि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा मांगी जाए वो राशि मध्य प्रदेश को अलाट करने की कृपा करें। नाउ ऑन